भारत के आत्मनिर्भर के लिए और दूसरी ओर दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए केवल 3 ही महीने में एक ही श्रेणी के 2 जहाजों को लॉन्च करने के साथ पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत का सपना आगे बढ़ रहा है। भारत तटीय सीमाओं की निगरानी के लिए कई तकनीकों का अपना रहा है। भारतीय तटीय सीमाओं की निगरानी के लिए कई नई तकनीकों को अपना रहा है। इंडियन नेवी आर्मी ने दूसरी एंटी सबमरीन की लॉन्चिंग की है। भारतीय नौसेना के लिए दूसरी एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट एंट्रोथ मंगलवार को हुगली नदी में लॉन्च की गई। नौसेना पश्चिम कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग ई चीफ वायरस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी की लीडरशिप में इसकी लॉन्चिंग की गई। इस जहाज का नाम एंट्रोथ रखा गया है। गार्डन रिज शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स भारतीय नौसेना के लिए 8 वाटर क्राफ्ट का निर्माण कर रहा है। इन साइलेंट हंटर भारतीय सेनाओं को सौंप दिए जाने पर तटीय सीमाओं पर दुश्मनों की पनडुब्बियों का पता लगाने में आसानी होगी। ये ऊपरी सतह की निगरानी खोज और हमला करने में सक्षम है। 77.6 मीटर लंबे और 10.5 मीटर चौड़े ये एंटी सबमरीन वारफेयर 3 डीजल चालित जेट वाटर द्वारा संचालित है। भारतीय नौसेना की 2026 तक सभी 8 जहाजों की सक्रिय सेवा में शामिल करने की योजना गार्डन रिज शिपगार्ड बिल्डर एंड इंजीनियर्स द्वारा तैयार किए जा रहे इन जहाजों में 80% से ज़्यादा स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तरह के परियोजना में रोजगार सृजन होने के साथ साथ क्षमता में भी वृद्धि होती है।